जय श्री राम तो दोस्तों। जय श्री राम। आज कर मन पर परिजन मातु पित ही मिली सीता फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करे पर नाम बेटी सब सासु प्रीति कहत कभी हिजे न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई रही सी ये दुहु प्रीति समाई रघुपति पटु पाल की मगाई करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं और माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहुबाई समसने जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना भरत भूपदल की न पियाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम उसी लखन समेता चले जाहीं सब लोग अचेता। बस है बाजी गज पशु हिये हारे चले जाहीं पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी शायद श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिये पद बंदी प्रभु सीता लखन समय फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परनन केत से आवर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल आदि प्रभु सुदशरथ अजर बिहार मेरे प्रभु राम जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा केन सन्मान निषादु चले हृदय बड़े विदय विषादु कोल के रात बिल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषादा जी को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विदा का बड़ा भारी विषाद था। फिर राम जी ने कोल किरात बिल आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके लौटे। प्रभु सी लखन बैठी बट शाही प्रिय परिजन भी योग बिलखाई। भरत सने सुबाऊ सुबानी प्रिय अनुज प्रिया अनुज सन कह तो बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति पर प्रीति बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तही अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बाद शोक भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियाँ चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुद बिलोक की दशा रघुबर की वर्षी सुमन कही गति घर घर की प्रभु पर नाम करी दीन भरोसो चली मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर ना रहा। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान बैराग्य जनु सोहत दरे शरीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। छोटे भाई
लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिसुर गुरु भरत बुआलु राम विदय सबु साजु बिहालु प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बिहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु बेऊ सो वासु बिनु भोजन गेऊ उतरी देव सरी दूसर वासु राम सखा सब किन्नर सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद आय ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जन कुरे पुर बासर चारी राज काज सब साज संवारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी आ पहुँचे। जनक जी चार दिन अयोध्या में ही रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सोमपि सचिव गुरु भरत ही राजू तेर हुती चले साज सब साजू नगर नारि नर गुरु सिख मानी बसे सुखे न राम रजदानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवा तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल प्रभु सुरचरत अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भोल सियापति राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री।